वापस भेजो, इस तरह तो फुर्सत गंज में मुसीबत आ जाएगी। हाँ, ये लोग गायब हो गई। तुम तो मेरे काम से कभी खुश ही नहीं होते। इम्मी, हमें तुम्हारे गांव जाना होगा। अपनी रेल कार से चलते हैं, जो मैंने तुम्हारे गांव जाने के लिए बनाई थी। पीत, मेरे लिए भी एक ऐसी ही कार बना दो ना। नहीं इमली, बच्चों के लिए ये खेल खतरनाक है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पीत, वो देखो ट्रेन आ रही है। बहुत मजा आ रहा है। अरे बच्चा लोग, यहाँ से जल्दी भागो भागो भागो, अरे टिड्डों का झुंड आ रहा है। भागो जल्दी, चलो, चलो, जल्दी करो। मैं भागने वाला नहीं, अपनी दुलाटी मार मार के सब टिड्डियों को भगा दूंगा। लाठी काम नहीं कर रही। दी, वो टिड़िया इधर ही आ रही है। भागो! रुक जाओ, हम इनसे तेज नहीं भाग सकते। यहीं खड़े होके मुकाबला देखो। वो लड़का उधर देखो, पता नहीं क्या क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है। उस पे हमला करो। इनको काबू में करना तो मुश्किल हो रहा है। चिंटू, तुम कुछ क्यों नहीं करते? अब आ जाओ, फिर से मुकाबला हो जाए। फिर वहाँ आग लग गई है, कई बच्चे अंदर ही हैं। पहले इसका हिसाब कर दूँ, फिर उनको बचाता हूँ। सिर पर ही आ रहा है। बस बचाओ। वो तो वीर है, चिंटू को बुलाना होगा। अब उस हॉल से बच्चों को निकालना है। फायर सूट ऑन। इमली तुम यहाँ रुको, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। जी, कुछ तो करो, मम्मी को बुला दो। दादाजी, हिम्मत रखो, कोई ना कोई जरूर आएगा। आपका वीर भी नहीं आ सकता, उसे तो कोई रोबोट पकड़ के ले गया। अब आई ना मेरी याद, जब मदद करता हूँ तो कोई खुश नहीं होता।
मैं जादू से आम तोड़ूं? नहीं नहीं, हम हार नहीं मानेंगे जिंटू। वीर, यस यस इमली। कौन है? कौन इतनी रात को चिल्ला रहा है? कौन इतनी रात चिल्ला रहा है? भूत है, आम खाने आए हैं। अरे क्या हो रहा है? दिन भर बच्चे मेरे आमों के पीछे पड़े रहे, अब रात में भूत आ रहे हैं। तुमसे पहले भी एक आया है, उसी से पूछ लो, वो खाने दे तो खा लो। मैं इन सब बचकानी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। आपने काट लिया, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। प्रेम सहाय का रोबोट मिल गया। उसे पकड़ के फौरन यहाँ ले आओ। ये तो टिम्बकटू है, किसी रोबोट में बैठ के मुझे पकड़ने आया है। इमली, चुलबुल, तुम लोग भागो फौरन। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हें भागने से कोई एलर्जी है क्या? इतने बड़े ऑक्टोपस से लड़ना इम्पॉसिबल है। दादाजी कहते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। इस समय बच के निकलने में ही अकलमंदी है, वरना तुम्हारे दोस्तों की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें बच के निकलने का मौका देती हूँ, जल्दी करो। हमें कुछ करना होगा, वो यही आ रहा है। जिंटू को बुला के लाओ। टिम्बकटू, तुम उन्हें छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगा अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो तो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, उन्हें जाने दो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने दोस्तों के लिए खुद की जान को खतरे में डाल रहे हो। दुनिया में दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं है। बॉस बॉस, वो रोबोट तो डांस कर रहा है, आपके रोबोट ने उसके दिमाग पे कब्जा किया कि नहीं पता ही नहीं चल रहा। लेकिन एक बात है, वो हमारी डेन की तरफ ही बढ़ रहा है। हमारी डेन? ये हमारी लैब है, डेन नहीं। सॉरी बॉस, सॉरी,
क्या है कि खामोश। तुमने फ्लाई स्वेटर से माइंड कंट्रोल बी को मारा था, शायद इसी वजह से उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, इसीलिए अभी तक वो उस रोबोट के माइंड को कब्जे में नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना काम जरूर करेगा। तुम उस पर नजर रखो। ओके बॉस, ओके। और सुनो, उसे हमारी लैब तक नहीं आने दो। मैं बर्बाद चौक पे अपना ट्रक भेज रहा हूँ, उस ट्रक में उसे बंद करके ले आना, समझे? ओके बॉस, ओके। बर्बाद चौक पहुँच के डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बर्बाद हो जाएगा। वो एक बार उस ट्रक में आ गया तो फिर कभी निकल नहीं पाएगा। दादाजी, वीर को देखो, पता नहीं कहाँ जा रहा है। जिंटू और चुलबुल का भी कुछ पता नहीं। हम यहाँ हैं। क्या हुआ? ये वीर डांस क्यों कर रहा है? मैड मैक्स ने उसके दिमाग को किसी वायरस की मदद से कंट्रोल कर लिया है। ये वायरस क्या होता है दादाजी, मुझे बताइए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। वो तुम्हारी समझ से बाहर है। अब उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, मैं किसी तरह इस रोबोट को वीर के दिमाग में भेज दूं, ये सब ठीक कर देगा। वीर ही अंदर जाके अपने दुश्मन से लड़ेगा। ये अंदर कैसे आ गया? इसके अंदर तो मैं आया हूँ। फौरन बाहर चले जाओ वरना मसल के रख दूंगा। चलो देखते हैं, लेट द गेम बिगिन। नटवर लाल सबके जाने के बाद चोरी करेगा। चलो एक्सरे विजन से देखता हूँ कि हॉल में सब ठीक ठाक है कि नहीं। एक्सरे विजन ऑन। ओह नो, नटवर लाल चोरी कर रहा है। मैं अभी आया। मैं चलता हूँ साथ। प्लीज तुम यही रुको चुलबुल के साथ, तुम जाके और गड़बड़ कर दोगे। डायमंड चोरी हो रहा है, जल्दी गेट खोलो। डायमंड चोरी हो ही नहीं सकता, चलो भागो यहाँ से। मेरी बात मानो, वो एसी डक से आया है और एक भवरे ने उसे पकड़ के। चलो आप लोग अंदर जाके देखिए तो। अरे दरवाजा खुला कैसे रह गया? रेड डायमंड कहाँ गया? हीरा चोरी हो गया, हीरा चोरी हो गया। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। ये जेट सूट तो एकदम बेकार है। वो डायमंड वापस कर दो अभी। बचकर जा ही नहीं सकते। बॉस बहुत खुश होंगे। टिम्बक्टू, मैं अपना डायमंड लेकर जाता हूँ। बाय।